इसमें कोई बात नहीं है मूड ऑफ करने वाली, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे नंबर दे देती यार। एक सेकंड कर लो यार, कर, आप जाओ। एक तो तुम पहले लेट आए हो सेट पे और अब बस मुझे तुमने कहा है आधे घंटे से तुम गाड़ी में बैठे हो। नहीं नहीं नहीं, मैंने बताओ, मैंने अपना मेकअप आधा छोड़ कर आई हूं। मैं अपना मेकअप कर लो यार, आप मुझे क्यों अब यहां बैठना है तुमने? यार बैठने दो ना, बस मैं बैठ गई हूं। चलो ये चलो चलो, पूरा शो है ना, मैं नहीं बैठ सकता हूं यार यहां पे। बहुत सिर्फ अपने बारे में सोचना कि तुम्हारी साइड कौन सी अच्छी आ रही है यार। एक मेरा मेकअप भी पूरा नहीं हुआ। आप तो दोनों साइड से करवा लेती हो ना? नहीं, मैं जरूरी नहीं, मैंने एक दफा कर दिया तो फिर। हेलो 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 हेलो, वहाज अली यमुना जैदी मेरे शो के सेट पे बल्ले बल्ले। हसन ये बहुत तंग करते हैं। और रेटिंग्स और रेटिंग्स और पॉपुलैरिटी और पॉपुलैरिटी और व्यूज और व्यूज। हेलो, कैसे हो सकता है कि एक मैं जानदार जोरदार इंट्रो आपके लिए ना करूं? ख्वातीनों हजरात, इतने दो खूबसूरत हसीन जमील वो लोग जो कि इस वक्त पाकिस्तान के दो मोस्ट वांटेड एक्टर्स हैं, आज आए हैं आपकी भरपूर फरमाइश के ऊपर द टॉक टॉक शो में। इन दोनों ने टीवी स्क्रीन्स के ऊपर जो आग लगाई हुई है, यकीन जानिए, यकीन क्या जानेंगे, आपको तो पता ही है कि सूरज भी शर्मा जाए। ख्वातीन हजरात, प्लीज वेलकम वहाज अली एंड यमुना जैदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, क्या खूबसूरत आपने इंट्रो दिया है। थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले ऑनेस्टली आप लोगों का बहुत शुक्रिया दोनों का। ये आप दोनों में फासला इतना ही बरकरार रहेगा बाय द वे या थोड़ा कमी? आप चाहते हैं कि शो कंप्लीट हो जाए? मैं चाहता हूं कि फासले को रहने दें, इस फासले को रहने दें। नहीं नहीं नहीं, ये फासला नहीं है, सेफ्टी है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, उधर 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 उधर। हाँ हाँ, मैं ये दोनों दोनों 1 2 पहल की आज मैं हो चुकी हूँ पहले। ये हर दफा कॉम्प्रोमाइज पहले मैं करता हूँ। अच्छा एक बात बता, एक बात बता, एक बात बता। माशाल्लाह आप दोनों की इतनी ये जबरदस्त ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो सब देख ही रहे हैं, ऑफ स्क्रीन भी ये जो फायरवर्क्स हैं, आपको याद है आप दोनों पहली बार मिले कब थे? जी जी बिल्कुल याद। उम्मीद तो नहीं के सेट पे। हाँ, तो क्या पहला इंप्रेशन क्या था यमुना आपका वहाज को लेके? मुझे लगता था कि बड़ा कुछ उदास सा है, कुछ सैड है वहाज। क्या है इसके साथ? मैंने यासरा से सबसे मैं पूछती थी इसको क्या हुआ है, क्यों ऐसे, मैंने इससे भी पूछा, फिर से कहा नहीं मैं तो बस फराज की शायरी पढ़ सुनाता हूँ। मुझे किसी ने कहा था कि यमुना ऐसे इंप्रेस होंगी। हाँ, ये बातें करो, उदास रहो, शायरी नहीं जी, सॉरी मैं उदासी से कोई इंप्रेस नहीं। मुझे तो किसी ने कहा था। बात तो बताएं, आप यमुना को इतना इंप्रेस कर क्यों रहे थे भाई? यमुना मुझे हमेशा से पसंद थी। अच्छा, बिल्कुल, इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं और मैं काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड था इनके साथ। लेकिन फिर मुझे पता लगा, मैंने कहा तेरे बिन में वहाज सही रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट है वहाज को। मुझे प्रोडक्शन ने कहा कि हम वहाज को इसके लिए कंसिडर कर रहे हैं, मैंने कहा बेस्ट। मैंने फटाफट, मैं अमेरिका में बैठी हुई थी, मैंने वहाज को कॉल मिलाई। सबसे पहले तो देखना पड़ता है टाइम और ये वो, तो वहाज ने कहा हाँ मुझे आया हुआ है स्क्रिप्ट। तो तेरे बिन जब स्क्रिप्ट आया हमारे पास तो यमुना का बहुत वोट था कि हमें करना चाहिए। मेरा बहुत वोट था, बहुत वोट था, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं वहाज से बार बार कही थी, वहाज देखो पूरा पढ़ लो, सिर्फ मेरे कहने पे मत करो। बट वहाज से पूछे कि इसने पूरा पढ़ के किया था? नहीं, मैंने पूरा नहीं पढ़ा था। नहीं, मुझे मेकर्स पे ट्रस्ट था, यमुना पे ट्रस्ट था और रिजल्ट आप सबके सामने। अच्छा, मैंने कहा यार तो बहुत सुकून से गुजरने वाला है और यू नो चाहे जो भी होगा। मेरे को एक्टर तो बड़ा अच्छा, पहला दिन भी अच्छा गुजर गया था हमारा। हाँ हाँ, पहला दिन भी अच्छा। और फिर तेरे दिन में तो इसने मुझे इतना तंग किया है, मैं मीरव क्या ही तंग कर रही होगी मुर्तसिम को बाय द वे, जो इसने तंग किया है मुझे। मैंने सुना कि आपका जीना हराम कर दिया था वहाज। भाई मैं कहती हूँ हर सीन से पहले हमारी लड़ाई हुई है। हर सीन से पहले वजह ये जो लोगों को बड़ी केमिस्ट्री पसंद आ रही है हर सीन से पहले। अच्छा वैसे बाय द वे ना इसका मिजाज ऐसा है लड़ने वाला ना मेरा। अच्छा वहाज आपका है वैसे, अब देखो जरा, देखने किसी पे देखने। नहीं, क्यों क्यों लड़ रहे थे भाई आप दोनों? यमुना कि अपना क्रिएटिव उनका इनपुट डिफरेंट होता था, मेरा डिफरेंट होता था। हाँ। तो बस उस पे जब हम एक चीज़ पे नहीं आमादा हो पाते थे और कोई हमें आमादा करवा भी नहीं पाता था,
तो बस लड़ाई हो जाती थी। और बहुत सीन ऐसे हैं जो हमने कोई उसकी सीआर नहीं की। हाँ। दोनों बात भी नहीं कर रहे, पूरा पूरा दिन बात नहीं कर रहे। मतलब रिहर्सल नहीं की। कोई बात नहीं हुई हमें, कोई उसकी कम्युनिकेशन नहीं है, और हमने सीन्स परफॉर्म किए। मैं आई फील ग्लैड कि मुझे ऐसा लगता था कि हर जो चीज गलत हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है। हर बात का इल्जाम ही कहता था यमुना, इसका भी इल्जाम तो मुझे दे रही हो। अच्छा, दूसरा ये कि ये मेक श्योर करता था कि अगर इसका आईलाइन पंखे की तरफ है तो ये चाहता था कि मैं पंखे पे लटक जाऊं। तो बहुत ऐसी अनकंफर्टेबल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हां, वो कहता था नहीं मुझे देखना है। लेकिन उसके बावजूद मैं अगर ऐसी कोई तंग जगह भी होती थी तो आपके लिए आता था। हां, ये तो है। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, आप दोनों की दोस्ती जाहिर है एक पहले प्रोजेक्ट पे हुई, फिर दूसरा प्रोजेक्ट करने तक आपस में बातचीत होती थी एक दूसरे के साथ? वर यू गाइज इन टच? एक दूसरे का काम देख रहे थे, पसंद कर रहे थे क्या, एक दूसरे को फीडबैक पहुंचा रहे थे या नहीं? हाँ बिल्कुल, वहाज का जो एक प्रोजेक्ट था जो बिछड़ गए, उसका स्पेशली वहाज ने कहा था कि बहुत कम प्रोजेक्ट्स को कहता हूं और मैंने फीडबैक दो, देखिएगा तो मेरा इरादा। अच्छा, वहाज ने बकायदा मांगा आपसे फीडबैक? जी जी, उसने कहा कि फर्स्ट 3 एपिसोड्स देखो, फीडबैक दो। और ये कि ऑन एंड ऑफ वैसे प्रोफेशनल डिसीजंस और चीजों में मैं सिर्फ राय लेती हूं। मैंने कहा ये ना कह दे कि इनकी जो कहते हैं कर देती हूँ ताकि नहीं राय लेती हूँ तो क्योंकि ये इतनी भी मासूम नहीं, खासा जी खासा जी। एक तो स्मार्ट और इंटेलिजेंट है और ऑनेस्ट बहुत है। ऑनेस्टी इसकी सबसे की है का, मतलब जो इनकी जो स्क्रिप्ट परखने की सेंस है वो आप कह रही हैं? नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं है, वो इन्हीं की अच्छी है, उसको बाद में बेहतर करने की सेंस मेरी अच्छी है। हिडन टैलेंट है कि डायरेक्टर भी हैं ये? जी जी, डायरेक्टर भी हैं और ऐसे। तो जब आप लोगों को एक और मौका मिला एक साथ काम करने का, तो वहाज व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको पता चला कि आपके अगले प्रोजेक्ट में यमुना ही आपके साथ काम करेंगी? देखिए, एज एन एक्टर मुझे अच्छा ही फील होता है क्योंकि यमुना एक बेहतरीन अदाकार है। किसी भी अच्छे एक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं तो एक एडवांटेज ही होता है कि आपको सिर्फ रिएक्ट करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, एफर्ट ही डालनी। तो बिल्कुल आई वाज वेरी कंफर्टेबल। और आपको जब पता चला कि वहाज हैं आपके साथ? अच्छा, वहाज का मुझे ऐसा लगता है कि अब तक इस तरह का कोई भी कैरेक्टर नहीं आया था, तो ये एक बड़ा रिस्की था कि वहाज इस तरह का कैरेक्टर करे, क्योंकि इसका बड़ी सॉफ्टनेस सी है चेहरे पर और बड़ा मासूम सा चेहरा है इसका, तो वो एक ऐसा गुस्से वाला कैरेक्टर करना जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वहाज ने तो लोगों के दिलों में घर कर लिया, इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया। सो बस मुझे सिर्फ ये हो रहा था कि बस वो कैरेक्टर और मैं और ये इस कैरेक्टर में सही लगें, तो ये था। मैं बार बार वहाज से कहती थी और वहाज का ऐसा होता था एटीट्यूड के हाँ ठीक है, सही है, देख लेंगे, हाँ पढ़ लूँगा, हाँ मैंने पढ़ा नहीं, और मुझे बहुत होता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वो बच्चा है जो कि मेरे बारे में कहते थे, मेरे को एक्टर्स, कि वो कहते थे कि जो पेपर से पहले कहते नहीं नहीं हमने कोई तैयारी नहीं की हुई, और फिर जो है ना टॉप, नहीं मैं बिल्कुल भी कोई तैयारी नहीं, टॉप करते हैं वो पेपर्स आते हैं। सो वहाज ने डेफिनेटली मेरे लिए सरप्राइज था। यमुना की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली क्योंकि किसी भी किस्म की एफर्ट नहीं करनी पड़ी परफॉर्मेंस में, किसी भी चीज़ में, किसी भी एक्शन का जो रिएक्शन है बहुत नेचुरल आया। आई थिंक यमुना को भी हेल्प मिली होगी। बिल्कुल, बहुत तंग किया है तुमने वहाज मुझे, इसलिए वो मीरब जो है ना इतना गुस्सा करती है हर बात पे चीज़ों। आप दोनों को लगता है कि तेरे बिन की पॉपुलैरिटी और सक्सेस के बाद आप दोनों की जिंदगियों में कुछ तब्दीली आई है, कुछ बदलाव आया है, कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं? चलो पहले वहाज तुम जवाब दो इसका। नहीं, मेरा तो सब कुछ वैसा ही है। अच्छा, कोई चेंज नहीं? इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी नहीं बढ़े अभी तक? वो बढ़ गए, अल्लाह का शुक्र है। और आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई है कि जो मेरी वालदा हैं वो मेरे हर कैरेक्टर को बहुत पसंद करती हैं, लेकिन इस दफ़ा मेरी अम्मी भी टीम मुर्तसिम में है। अच्छा, और ये अच्छी बात। जी, और जब मुझे ना वो थोड़ा उनका रवैया मुझसे थोड़ा मुझे एपिसोड देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है मैं अम्मी को बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। सो वो है, मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है आजकल, वो टीम मुर्तसिम पे है मेरी अम्मी। मैडम मुझे बताएं, आजकल वहाज का एक और ड्रामा ऑन एयर है, मुझे प्यार हुआ था,
उसमें भी बड़ा लोग उनके काम को पसंद कर रहे हैं और लोग बड़ा उनकी हानिया के साथ केमिस्ट्री को भी बड़ा पसंद कर रहे हैं। तो आपने असेसमेंट की है कि आपकी और वहाज की केमिस्ट्री या वहाज की और हानिया की केमिस्ट्री दोनों में से क्या ज्यादा गर्मा गर्मी क्रिएट करी? इतना अच्छा क्वेश्चन किया आपने, है ना? ये देखे ना, ये सवाल आप भी इसका जवाब देंगे। अच्छा, इसका जवाब जो है वो इसलिए क्योंकि वो दोनों की आर्क्स बहुत डिफरेंट है। ओह माय गॉडनेस, साद और मुर्तसिम के ये सवाल मेरे पे आने तो मैं उन्होंने भी देना जवाब। मुर्तसिम और साद के इतने आर्क्स दोनों के इतने डिफरेंट हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी माशाल्लाह वहाज के दोनों प्रोजेक्ट्स ही बहुत अच्छे जा रहे हैं। और केमिस्ट्री अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी डेवलप होगी वहाँ पे और ज्यादा। अभी तो वहाँ पे शुरू ही नहीं हुई ना। वहाँ पे शुरू हुई है। अभी अभी फिलहाल एट दिस मोमेंट वहाज और यमुना की केमिस्ट्री इज ग्रेटर देन वहाज और हानिया की केमिस्ट्री। लाउड है ना ज्यादा, तेरे बिन ज्यादा है। भाई मैंने एक्सप्लेनेशन तो नहीं मांगी, मैंने तो बस ठीक है ठीक है। यमुना के इस जवाब के लिए तालियां। वहाज आपका क्या मानना है? आई थिंक वहाँ तो अभी शुरू ही नहीं हुआ कुछ भी, तो अभी तक जितना लोगों ने देखा है यहाँ कहानी जिस जगह पे भी है तो वो अभी यहाँ पे डेफिनेटली सबको अभी ये क्लिक कर रही है। वहाँ पे हानिया की जो केमिस्ट्री है वो जावेयर के साथ है और अभी इंशाल्लाह आगे आके वहाँ पे भी होगी, वहाँ पे भी होगी, वहाँ पे भी आवाम को नजर आएगी। आवाम से मुझे याद आया एक हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है आवाम की आवाज़। उसमें होता क्या है कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो कि जाते हैं ऑन द स्ट्रीट, ऑर्गेनिकली जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं वो एज इट इज़ हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो पता करते हैं कि आजकल वहाज आपके बारे में और यमुना आपके बारे में आवाम क्या सोचती है। त्यार है। आपको दिखाते हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सरफराज मुगल एंड यू आर वाचिंग द टॉक टॉक शो ऑन एक्सप्रेस टीवी। दुआ और सलाम, आए हैं दो बड़े मेहमान, एक का नाम है वहाज और दूसरी का नाम है यमुना दीदी। ड्रामों में कैसा दिखते हैं ये बताएगी आवाम। लेट्स टॉक टू पीपल, लेट्स टॉक टू पीपल। अस्सलाम वालेकुम, तेरे बिन ड्रामा देखा है मैम? आज हमारे गेस्ट हैं वहाज और यमुना दीदी, कैसा लगा? बहुत अच्छा है लगता है ड्रामा, इंतजार रहता है इस ड्रामे। अच्छा, दोनों में से एक को अगर आप प्लस पॉइंट दें तो किसको दें? यमुना दीदी। यमुना दीदी। मुर्तसिम। ड्रामे का एंड कैसा देखना चाहते हैं? दोनों को एक साथ हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए वैसे तो। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देंगी उनकी एक्टिंग? 8। और यमुना दीदी को जो जानती है? यमुना दीदी तो 10 आउट ऑफ 10। 8। 9। अच्छा, आउट ऑफ 10 मीरब की एक्टिंग को क्या रेट करेंगे? 10। बताइए किसकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगी, यमुना की या वहाज? दोनों की बहुत अच्छी है दोनों। आउट ऑफ 10 वहाज को क्या रेट करेंगे? वहाज को 9। 9। और यमुना को? 8। वहाज चली गई, फर्स्ट ड्रामा है जो मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया हम लोगों को वो ड्रामा। जी, यमुना की ज़्यादा अच्छी। आउट ऑफ मेल और फीमेल जेंडर में तो हम नहीं कर सकते, दोनों की अपनी जगह बहुत अच्छी है। मीरब की ज्यादा अच्छी है। ज्यादा एक्टिंग किसकी अच्छी लगी? वहाज की। कौन से एक्टर ज्यादा आपके फेवरेट है, वहाज अली या यमुना दीदी? वहाज अली। वहाज को आउट ऑफ 10 क्या रेट करेंगे? 10 of 10। 9। और वहाज को? वहाज को 7। 10 on 10। और मीरब को? 10 on 10। अच्छा, बताएं वहाज की हानिया के साथ जोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है या फिर यमुना की? हानिया। हानिया के साथ? हानिया में। वहाज की एक्टिंग बेहतरीन है, मुझे वहाज अली बहुत पसंद है, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। शॉल कम उड़ाए। किसको बोले? वहाज को। वहाज को बोले तेरे बिन में शॉल कम उड़ाए। और आप क्या पागल हो रही है? उसको शॉल कम उड़नी चाहिए क्योंकि लड़कियाँ उसके ऊपर पागल ज्यादा हो रही है। ऑडियंस भी कंफ्यूज है कि वो किसको ज्यादा प्यार शो करे, मीरब को या मुर्तसिम को, है ना? हमारे पास एक बड़ी जबरदस्त गेम है, ये मैंने खुद कंसीव की है ये गेम। अल्लाह खैर ही करे फिर। ये गेम में होगा ये कि यमुना आपसे मैं सवाल पूछूंगा जो अवाम और मेरे जहन में है मीरब के लिए, और आपने मीरब बन के उनका जवाब देना है। और आपसे मैं सवाल पूछूंगा जो अवाम के दिलों और दिमागों में सवाल है मुर्तसिम के लिए, और आपने मुर्तसिम बन के जवाब देना है। ठीक है? ठीक है ठीक है। पहले कौन? पहले यमुना। ठीक है, पहले वहाज आप, पहले यमुना। यमुना पहले। ठीक है, अब ये सवाल है मीरब के लिए। ठीक है, अगर मीरब को मुर्तसिम से मोहब्बत हो जाती है, फर्ज करें। ठीक है। वैसे आपको लगता है कि मीरब को मुर्तसिम से मोहब्बत होगी? नहीं, सवाल तो करें ना। अच्छा, चले ठीक है। अगर फर्ज करें कल को मीरब को मुर्तसिम से मोहब्बत हो जाती है तो वो मुर्तसिम को प्यार से किस नाम से बुलाना पसंद करें? मूर्तु, मूर्ति, मुमू या मुर्तसिम? मुर्तसिम। मुर्तसिम।
इसकी क्या वजह? भाई मीरब की चॉइस है। तो भाई ठीक है, हाँ मीरब की चॉइस है, बिल्कुल ठीक है। आपका अगला सवाल, अगर मीरब को मुर्तसिम के लिए खाना बनाना है, उसको मुर्तसिम को बहुत जोर की भूख लगी है और मुर्तसिम को खुश करने के लिए, चले उसका बेचारे का ख्याल करने के लिए, अगर मीरब ये डिसाइड कर लेती है कि चलो मैं मुर्तसिम को खाना बना देती हूँ और घर में मछली के अलावा कुछ और मौजूद नहीं है, तो मीरब क्या करेगी? ये कैसा सवाल है? ये है ना सवाल, आप सोचें, गहराई में जाएं इस सवाल की। कुछ ऑर्डर की ऑप्शन है, फूड कुछ यानी कि ऑर्डर करना चाहेगी। वेरी गुड, आप समझिए आपके ट्रिक क्वेश्चन था कि वो मछली नहीं बनाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मीरब को मुर्तसिम शलवार कमीज और उसकी शॉल के साथ ज्यादा पसंद है या वेस्टर्न वेयर? शलवार कमीज में। ठीक है, मीरब को मुर्तसिम की कौन सी बात या आदत पसंद है बट एतराफ करने से थोड़ा सा कतराती है? उसकी उसका कंसर्न, मुर्तसिम का कंसर्न टुवर्ड्स मीरब। हाँ ठीक, वो बहुत पसंद है लेकिन वो कतराती है। हाँ, वो बस शो नहीं करती। ठीक है, आखिरी सवाल और इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल, आप तैयार हैं इस सवाल का जवाब देने? अवाम ये जानना चाहती है मीरब कि क्या आपने बीवी के ऊपर शोहर के हकूक किताब खत्म कर लिए? वो आई थिंक वहीं की वहीं रह गई है, वही रह क्योंकि रह उन्होंने आगे ड्रामा चलाना है, इसलिए मीरब ने बिल्कुल नहीं पढ़ी है किताब। वेल डन वहाज। जी सर। आप तैयार हैं? बिल्कुल। पहला सवाल, सोफे पे सोते सोते मुर्तसिम की बॉडी में अब क्या क्या इश्यूज आ चुके हैं? पूरी बॉडी खराब हो गई है। यार आप, मैं देखा, मैंने एक सीन, आपने भी, आप तो थी उस कमरे में, मौजूद थी, इनको देखा है कि ये बेचारा जो मुर्तसिम का किरदार है, एक टांग नीचे रख के और आधा ऊपर, मेरा स्पाइनल कैप डिसलोकेट हो गया है सोफे पे। वाकई में हुआ है ना ये? प्लीज बताएं आवाम को कि ये वाकई में हुआ है। बैक के मसले आज को फेस करने पड़े मुर्तसिम के ऊपर जो सख्ती हो रही है उसकी वजह से। ठीक है, जिस दिन मीरब किडनैप हुई थी और मुर्तसिम ने उसको बहुत एक हाई फाई एक्शन चेज में ढूंढने की कोशिश की थी, क्या आपको याद है मुर्तसिम मीरब ने किस रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था? पीला। वेरी गुड वेरी गुड। ये तो याद है, मुर्तसिम कैसे भूल सकता है, उसने अपने हाथ पे बांधा हुआ था। ठीक है, मुर्तसिम के दिल में मीरब को लेके ऐसी क्या ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो पा रही? ये जवाब आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। आप कुछ क्या? नहीं इसका सवाल है, आप ही जवाब दें। हाँ, बेड पे क्या ख्वाहिश है? बेड पे सोना चाहता है मुर्तसिम, थक गया। ठीक है, मीरब का गुस्सा कम करने का सबसे क्विकेस्ट जो तरीका है या सोल्यूशन है वो क्या है? उससे ज्यादा गुस्सा करो। डू एग्री? ठीक है, और फाइनली आज क्योंकि मुर्तसिम भी यहाँ मौजूद हैं, मीरब भी यहाँ मौजूद हैं, तो हम मुर्तसिम से ये कहना चाहते हैं, उसको ये मौका देना चाहते हैं कि अगर मीरब से वो दिल की, अपनी एक ऐसी दिल की बात जो उसने अभी तक मीरब से नहीं कही, अगर वो कहना चाहे तो वो क्या बात होगी, और हम मीरब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मुर्तसिम को मौका दें और आज ये बात सुने। और मुर्तसिम, ओवर टू यू नाउ। माहौल बनाओ भाई, लाइटें शाइटें थोड़ी डिम करो, हैं चाचा कोई म्यूजिक पीछे थोड़ा सा रोमांटिक हो, बजाएं जरा थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, ओवर टू यू मीरब, गिव मी योर हैंड एंड प्रॉमिस मी कि जो अब मैं कहूँगा तुम इनकार नहीं करोगे। प्रॉमिस करो प्लीज। हाँ ओके, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, चाहे कुछ भी हो जाए आज इनकार नहीं करो। बिल्कुल ठीक है, प्रॉमिस, बिल्कुल मेरी कसम। हाँ हाँ पक्का। हाँ हाँ, आज प्लीज बेड पे सो। ओके डन। मेरे ख्याल में ये सिर्फ मुर्तसिम के दिल की ख्वाहिश नहीं है, ये पूरे आवाम के दिल की ख्वाहिश है। ताली हो जाए भाई दोनों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच वंडरफुल स्पोर्ट्स। ये तो हो गया हमारा एक सेगमेंट, अब वक्त है हमारे एक और सेगमेंट का। इट्स कॉल्ड डेंजर डेक, इट्स सॉर्ट ऑफ अ रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ठीक है, आप दोनों से सवाल पूछेंगे, फटाफट टकाटक आप दोनों ने जवाब देने। ठीक है, पहले इसमें वहाज की बारी। जी, पहले इसमें वहाज की बारी। ये बड़ा हिसाब किताब की बड़ी बहुत पक्की है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो चार सवाल वहाज से पूछूंगा और चार यमुना आपसे पूछूंगा।
रेडी वहाज? वैसे एक वन बाय वन होना चाहिए था, वन बाय वन ज्यादा इंटरेस्टिंग होता, ऐसे कर लेते नहीं वहाज सिर्फ चार सवाल करे हर बात पे इख्तलाफ है, हर बात पे इख्तलाफ मैं घर चला जाता हूं, मैं घर चला जाता हूं। प्लीज आइए आइए प्लीज, चार सवाल वहाज से कीजिए, चार करना तो देना यार, चलिए करें सवाल करें। ठीक है ओके, साइड पे भी आपने उनको बिठा दिया उनकी, और सवाल भी अब चार करेंगे, अब करें। चलिए, मोहब्बत में अगर मुब्तला हो जाए कोई शख्स तो ऐसी कौन सी तीन बड़ी गलतियां जिससे बचना चाहिए उसे? इतनी बड़ी गलती है कि इससे ही बचना चाहिए क्या? मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। मोहब्बत में गिरफ्तार होना ही सबसे बड़ी गलती, नहीं होनी चाहिए मोहब्बत, होनी नहीं चाहिए। अगला सवाल है तो नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको जिंदगी में कभी मोहब्बत नहीं हुई? वहां किसको नहीं होती, हर एक को होती। तो क्या आप रिग्रेट कर रहे हैं मोहब्बत में मुब्तला होना? नहीं नहीं, रिग्रेट नहीं कर रहा, लेकिन बचना चाहिए। फंसे नहीं, हां बिल्कुल सही सवाल, यही होना चाहिए। अच्छा, दो बाकी की दो बड़ी गलतियां जी, बाकी दो बड़ी गलतियां जिससे बचना चाहिए, जिससे मोहब्बत हुई उसको बताने से गुरेज करना चाहिए कि ये भी गलती है। बड़ी सही बात है। अच्छा, ताकि बात बढ़े, गहराई आप देखिए बात, ताकि बात आगे ना बढ़े, बात बढ़ाते रहें। ये एकदम मुर्तजिम के अंदर साध आ गया, अब शिफ्ट हो गया, चेंज ओवर हो गया। ठीक है, तीसरी इधर किसी को भी नहीं बताना चाहिए, अपने दोस्तों को भी नहीं बताना चाहिए कि मोहब्बत हुई। ठीक है ओके, क्योंकि अगर आप क्योंकि वो नहीं भूलने देते फिर। अच्छा, वो भूलने नहीं देते। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे ख्वातीनों, ज़रा ये वाला जो सवाल का जवाब दिया है ये ना मुर्सिम ने दिया है ना वहाज ने दिया है, बल्कि साद ने दिया है, ऑफ मुझे प्यार हुआ था। रेट द फॉलोइंग एक्टर्स ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। यार ठीक है जी, रैपिड फायर है, चलिए रैपिड फायर, आपने इतना टाइम नहीं लेना। फैसल कुरैशी, एक में 1 out of 10 आउट ऑफ। फैसल भाई को कैसे रेट करूं, 10 नहीं दूंगा बल्कि 20 दूंगा। ठीक है, अहमद अली अकबर? ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट है अहमद, 20, 10 में से नहीं है, स्केल 1 to 10। हुमायूं सईद? 9.5 नंबर इन्होंने हुमायूं सईद के काटे। ज़ावियर एजाज जो कि आपके कोस्टार हैं? 8। ओके, फहद मुस्तफा? 10। ओके, हुमायूं सईद को इन्होंने 0.5 कम दिया और फहद मुस्तफा को 10 out of 10 दिया। हु इज द मोस्ट डिफिकल्ट एक्टर यू फाइंड, जिनके साथ आपको रोमांस करने में चैलेंज होता है ऑन स्क्रीन? आपको लगता है मुझे होता होगा चैलेंज? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये जो एक्टर्स हैं इनको आप क्या सजेशन, मशवरा, एडवाइस देना चाहेंगे? दानिश तैमूर? मैं उनसे कुछ एडवाइस लेना चाहूंगा, वो मैं उनको क्या एडवाइस दूंगा? फर्ज करें कि वो आपको एक दिन मिल जाते हैं और कहते हैं वहाज एनी एडवाइस फॉर मी, तो आप क्या कहेंगे उन्हें? मैं उन्हें कहूंगा ज्यादा शलवार कमीज पहना करें। ज्यादा शलवार कमीज पहना, ओके वेरी गुड। निदा यासिर को क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैंने कहूंगा आपको सिर्फ अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए। ओके, मैं भी शहर और अहमद अली अकबर? वो तो प्लीज फॉरन करें, टीवी फॉरन करें, सोचते बहुत हैं वो। ठीक है, वेल डन वहाज, वहाज के लिए तालियां, वहाज ने अच्छा खेला ये राउंड, कुछ हमें इनके अंदर का जो इनर पर्सनैलिटी है उससे हमारा तारुफ हुआ, हमें अच्छा लगा। यमुना, वियर्डेस्ट रूमर दैट यू हर्ड अबाउट योर सेल्फ? नहीं, इतनी कोई ज्यादा रूमर्स है यार, एक कुछ तो सुना होगा। बोरिंग ये, हाँ ये बोरिंग, हाँ बोरिंग ही रहना चाहिए। दैट इज अ रूमर अबाउट योर सेल्फ? नहीं नहीं नहीं, ये तो रूमर नहीं है। रूमर मैंने देखिए, YouTube अगर बंदा खोल लेना तो फिर तो बस आपका सर चक्कर खाना शुरू हो जाता है, जो उर्दू वाले कैप्शन में कुछ कुछ लिखा हुआ होता है। तो हाँ, एक था कि 19 साल यमुना जैदी की शादी धूमधाम से हो गई और उसके बहुत सारे वो थे, तो ये 19 साल और ये शादी, ये दो टैगलाइंस बहुत वियर्ड थी, बहुत वियर्ड थी। उस वक्त आप 19 साल की नहीं थी? अरे नहीं नहीं, अभी 2 महीने पहले की है। अच्छा, अच्छा, वीडियो अच्छा। थी। तो शादी किसके साथ कराई थी उन्होंने आपकी? पता नहीं क्या चेहरे जोड़े मैंने, नहीं नहीं, 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 नहीं देखिए, शादी तो नहीं इस तरह करा सकते, सिर्फ मेरा ही दुल्हन के ऊपर चेहरा लगाया होता। ठीक है, जब आप कोई भी स्क्रिप्ट सिलेक्ट करने लगती हैं तो व्हाट इज द वन थिंग जो आप हमेशा मद्देनजर रखती हैं? अवाम को क्या पसंद आएगा। हाँ, कुछ स्क्रिप्ट्स अवाम के लिए होते हैं मेरे, कुछ स्क्रिप्ट्स मेरे अपने लिए होते हैं। ठीक है, कुछ एक्टर्स के नाम लूंगा, इनमें सब आपके कोस्टार्स हैं, आपके दोस्त हैं, अगर आप इनको अल्टरनेट प्रोफेशन सजेस्ट करना चाहें तो वो क्या होगा? ज़ारा नूर अब्बास? टीचर। ओके, इफ़त उमर? प्रिंसिपल। स्कूल से बाहर नहीं आ रही हूँ, उन्होंने कहा मैं स्कूल के अंदर ही रहना है। सोनिया हुसैन? पीटी टीचर होंगी। आने वाला था ना? नहीं नहीं, क्या? अच्छा, बताएं।
स्कूल से आप आ गई हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइप कोई अगर आप डॉक्टर डॉक्टर किस चीज की किस चीज की डॉक्टर ये डॉक्टर तो किस चीज की डॉक्टर भाई स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन की स्किन जी ठीक ये जैसे वहाज ने बहुत अच्छा रेट किया अपने फेलो एक्टर्स को को स्टार्स को एक्टर्स को आपसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 आपने रेट करना है जी सबसे पहले आयजा खान 10 वेरी गुड सारा खान 9 सज्जल अली 10 11 10 10 ही समझ 10 हानिया आमिर 9 ओके मेरे साथ प्रोजेक्ट है हानिया का टेन ही तो हानिया को सपोर्ट करूंगा हानिया को सपोर्ट करूंगा 10 के लिए आप तो हां हां बिल्कुल करो वहाज एक नंबर आप अपने किसी एक्टर में से निकाल के ठीक है मैं देता हूं किससे निकाल रहे हैं आप अरे 9 नंबर मुझे बताएं बुरे होते हैं क्या नहीं। अब सबको 10 दे दूंगी तुम्हारी तरह तो डिप्लोमेट नहीं होना मैं अच्छा 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 ये बात है अगला अगला नाम ले आप अच्छा ठीक है उष्णा शाह उष्णा 10 उष्णा 10 अच्छा इन्होंने उष्णा को 10 दिए हैं आप जरा नोटिस कीजिएगा हानिया को इन्होंने 9 दिए सज्जल को भी 10 दिए एक मिनट उष्णा सीनियर है हानिया बहुत अच्छी एक्ट्रेस है लेकिन आप थोड़ा सीखते भी तो है ना टाइम के साथ नहीं बहुत अच्छा कवर किया कवर सीनियरिटी के हिसाब से नंबर ज्यादा मिलते हैं ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में फिर तो सारा भी सीनियर है उनको आपने 9 नंबर दिए क्या कहना चाहेंगे यार ये सीना आना शुरू हो गया स्क्रिप्ट राइटर से आपको क्या 3 शिकायत हैं स्क्रिप्ट राइटर से बस वो बहुत वो स्क्रिप्ट राइटर से नहीं होती हैं वो सारे वो प्रोडक्शन हाउसेस से होती हैं जो कि ज़्यादा लंबे स्क्रिप्ट्स लिख लेते हैं अदरवाइज मुझे ऐसा चाहिए कि वो होने चाहिए लैंग्वेज जो हम बोलते हैं अच्छी बात है उर्दू के स्पोकन होना लेकिन उर्दू के अल्फाज शामिल करना बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसे ना हो जो कि हम आम ज़िंदगी में नहीं बोलते ठीक है फाइनल सवाल जो आप दोनों से पूछूंगा मैं तो आप दोनों उसका जवाब देंगे आपके को स्टार्स में से सबकी सबसे अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर किसकी है वहाज की तो आपने अपने को स्टार का नाम बताना है आपने अपने को स्टार का नाम बताया मैं सिर्फ अपने बारे में सोच अपने सेल्फ सेंटर्ड वहाज अली लेडीज एंड जेंटलमैन तालियां वेल प्लेड बोथ ऑफ यू अब वक्त हुआ चाहता है हमारी एक और गेम का वो गेम खेलेंगे हम वहां तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अब आप जो अपनी निशिस्तों पर विराजमान हुए थे अब आप खड़े हो जाएं और मुझे ज्वाइन करें यहां पे जी वाह 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 तो गेम बड़ी सिंपल है एक रिबन है और ये ऊपर बोतलें पड़ी हुई हैं दो ठीक है आप दोनों ने इस रिबन को पुल करके बोतल को अपनी तरफ खींचना है ठीक है जो पहले बोतल को उस किनारे से इस किनारे पे ले आया वो जीत जाएगा ठीक है जी और जो हारेगा वो करेगा जीतने वाले को क्या मिलेगा एक डेयर जीतने वाले को मिलेगा क्या चाहिए आपको क्या चाहिए आप उसके अकॉर्डिंगली मेहनत करूंगा क्या चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली मेहनत चाहिए क्या आपको चलो वो डिसाइड करते हैं ठीक है डिसाइड कर लेते हैं और हाँ ये बात आपने जहन में रखनी है आप दोनों के पास हैं 90 सेकंड्स कितने 90 जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है मैं खेल चुका हूँ ये गेम अच्छा दोनों बहुत कंपेटिटिव हैं ख्वातीन हज़रात ओके टाइम स्टार्ट होता है आपका अब वेल डन ये यमुना की बोतल उनके करीब आ रही है आते जा रही है आते जा रही आते जा रही है वहाज की बोतल एक बार गिर चुकी है यमुना जीतने वाली है वहाज की बोतल की स्पीड तेज हो चुकी है और ये वहाज ने बोतल तोड़ दी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बहुत सारी ख्वातीन के दिल टूट गए जब उन्हें पता चला कि वहाज की असल में शादी हो चुकी है ठीक है अब क्योंकि वहाज आप हार गए जीत के हारे आप कैसे नहीं वहाज हारे वहाज आपने बोतल इसने तोड़ दी आपने तोड़ी दी बोतल यार ये तो पता नहीं था कि बोतल टूटनी चाहिए नहीं टूटनी चाहिए ये मेरे साथ हुआ है एक बार पहले पता मैं गेम खेल रहा था मैं तो फिर एक दफा और करते हैं नहीं नहीं क्यों नहीं चलें दोबारा कर लेते हैं चलें आज आ जाएं नहीं दोबारा नहीं बोतल नहीं है क्या दूसरी नहीं बोतलें बड़ी तो फिर लेकर आए क्रेट है लेकर दोबारा क्यों करें भाई दोबारा नहीं करेंगे इसका रूल है रूल है कि बोतल आपने उठा के हाथ में पकड़नी ये बताया नहीं था अगर बोतल गिर गई तो टूट गई फिर बताया नहीं आपको क्या प्रॉब्लम आप तो जीत गई हैं आप क्यों आर्ग्यू कर रही हैं मेरा मुर्तसिम है ये अच्छा आप तो जीती हैं भाई आप तो खुश हो anyway, हारने वाले को एक डेर करनी है जी बड़ी सिंपल डेर है सुई और धागा जी आपको सुई में डालना है धागा
और हम देखना चाहेंगे कि आप कितने सुघड़ हैं। किसके होंठ सीने हैं ये बताएं। मुझे लग रहा है तो नहीं आप कितने सीने पड़ेंगे। नहीं मेरे ना, आप हर हफ्ते बैठ जाते हैं ना यूट्यूब पे, मेरे ना सीने आप ही। अरे मेरे बहुत अच्छा लगता है, तारीफें कौन करेगा। इसको तो सबसे अच्छा लगता है ये शोज, ये वाले सारे। चलें ये पकड़ें सुई और ये पकड़े धागा। इनको वहाज को हम टाइम देंगे भाई 90 सेकंड्स। करना क्या इसका, सुई में धागा डालना है और क्या करना है। अच्छा okay. डालना आता है जी, ऑफ कोर्स। ओके 90 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब भाई। पीछे हाँ, वाह वाह। अच्छा दूसरा उन्होंने ट्राई किया। अच्छा ये मेरा भाई, शाबाश। ये वाली जगह सही नहीं, वो सही था। ओके okay. आप ट्राई करना चाहिए। नहीं नहीं, जो हार है भाई, देखो इसको कट करो आगे से, नहीं जाएगा। जुमना एडवाइस देते हुए, ओ गॉड, ये मेरा भाई। ओहो टाइम थोड़ा रह गया है, सुई बेचारी शर्मा सी गई है, धागे कुछ समझ नहीं आ रही, रास्ता नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल जैसे मुर्सिम को रास्ता नहीं मिल पा रहा मीरब के दिल तक, वैसे सुई को रास्ता नहीं मिल पा रहा, इस धागे को रास्ता नहीं मिल पा रहा, और मीरब मुर्सिम दोनों कोशिश कर रहे हैं, ख्वातीनो जात और बेचारा मुर्सिम और ये धागा, दोनों के दिल के अरमान एक जैसे हैं। सुई के क्या हुआ, क्या हुआ। हाँ हाँ, अब बढ़ाते हैं। यमुना ने टेक ओवर कर लिया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से 30 सेकंड बढ़ा दिए जाए, कोई बात नहीं। जुमना चाह रही है कि इस धागे को बहुत अच्छी तरह से वो कर लें, और ये 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 धागा जॉइंट एफर्ट की बुनियाद पे ख्वातीनो हज़रात सुई के अंदर चलने जा रहा है, और ये सुई के करीब पहुंच गया, और ये 1 2 और ये निकला था। बहुत ही सिंबॉलिक गेम जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपने खेली। अब वक्त हुआ है वापस काउच की तरफ जाने का, और काउच पे चल के हम कुछ और अपनी फन एक्टिविटी कंटिन्यू रखेंगे। प्लीज आए बैठें। आज कितने लोग ये सोच रहे होंगे, काश मैं धागा होता, काश मैं सुई होती। धागे ही सोच रहे होंगे, सुई तो कोई नहीं सोच रहा होगा। नहीं सुई भी बड़ी काम की है, पता है क्या हुआ, वो मैंने सुई धागा अपनी पिछली जेब में रखा हुआ था। एनीवे वक्त हुआ जाता है एक और बड़े मजे के सेगमेंट का। इसमें होगा ये कि बहुत बातें होंगी आपके किरदारों की, अब हम असल मुद्दे की बात पे आएंगे, वो है वहाज और यमुना। हाउ वेल डू यू नो ईच अदर, ये इस सेगमेंट का मकसद है। अच्छा आप लोग जैसे देख सकते हैं, हमें भी अभी पता चलेगा। बस आप लोग जैसे देख सकते हैं, आप दोनों के पास व्हाइट बोर्ड हैं और मार्कर्स हैं। मैं यमुना आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है, वहाज के बारे में, और आप दोनों अपना अपना जवाब व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके कितने जवाब मिलते हैं, कितने नहीं मिलते, और इसी यही एक्सरसाइज आपके साथ भी होगी यमुना के बारे में, ठीक है। ठीक है, सो यमुना यू वांट टू गो फर्स्ट, बिकॉज लास्ट टाइम यू वांट वहाज टू गो फर्स्ट। पुग लेते हैं, है आप पुग लेते हैं। जो पुगेगा वो नहीं होगा, नहीं, जो 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 पहले आउट हो जाएगा वो सेफ जोन में होगा। हाँ ठीक है, जो हसन के साथ रह जाएगा। हाँ ठीक है, ओके चलो समझ में। ओके बोलो फिर, ये ना हो आखिर में कुछ और हो। वही होता है जो आप कह रही हैं। अल्लाह अकबर, कौन पुगा आज। कोई बात नहीं यार, दोनों ने खेल ली, क्या चलें अपने अपने बोर्ड उठाए। चलें जी। अच्छा ये और ये क्या है, ये पिंक कार्ड्स। मुर्सिम की कमर का मसला हल नहीं हो पा रहा, झुक नहीं पा रहे वो। अच्छा मेरा तो भी नहीं पा रही है। किसकी, ये तो मेहमान बन गए। दोनों ने अपने अपने जवाब लिखने हैं ना। अच्छा आप तो असल में, अब मैं यमुना से पूछूंगा आपके बारे में कुछ सवाल, ठीक है, आप अपने जवाब देंगे, दोनों छुपा के लिखना है, बोर्ड पे लिखे। हाँ बोर्ड, और कम कम जगह पे लिखे ताकि सारे सवालों के जवाब रब कर लेंगे ना। ये रबड़ देखे रखा हमने आपके लिए, ठीक है ठीक है, बट द अदर पर्सन शुड नॉट बी एबल टू सी। ओके ओके यमुना, वहाज को जब गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं? ठीक है, दोनों अपने अपने बोर्ड को टर्न करें कैमरे की जानिब। अच्छा इतना मैं तो छोटा बहुत लिखा, बात नहीं करता और खामोश है। वेल डन यार, वेल डन, वेरी गुड कंपैटिबिलिटी, वेरी गुड। वाह वाह, ठीक है। दूसरा सवाल, जब वहाज सेट के ऊपर हमारी भाभी से बात करते हैं, फोन पे करते ही होंगे आप लोग, इतना इतना टाइम सेट पे होते हैं साथ में, तो ये भाभी को क्या कह के पुकारते हैं? टर्न टर्न अराउंड, मेरी वैसे ज्यादा बात होती है सना से। सना का फोन कम आता है, फोन कम आता है, ये कहने बात नहीं करता। अबे
वो एक चीज नोटिस करें, उनका ऊपर की लाइन है बात नहीं करता, आपकी सेकंड लाइन है बात नहीं करता। यार इसमें तो बहुत कंपैटिबिलिटी चल रही है भाई। ओके तीसरा सवाल, इंडस्ट्री में हमारे आपके कॉलीग्स में वहाज का बेस्ट फ्रेंड कौन है? एक्टर्स में? एक्टर्स में। मेरे घर टर्न अराउंड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड माया अली। अच्छा जी, अब आपने बेस्ट फ्रेंड बता दिया वहाज का, अब एक नाम आप दोनों बताएंगे उस शख्सियत का जिसके साथ वहाज को काम करना पसंद नहीं है। वो है कोई ऐसा? हाँ, यमुना ने तो पहला लेटर भी लिख लिया। नहीं नहीं मैं ये तो सवाल नहीं होना चाहिए। वो उन्होंने लिख भी दिया, देखें इतना लंबा नाम। आए ना, मैं तो कुछ नहीं लिख रही यार। लिखना पड़ेगा कुछ, कुछ तो लिखे ना, जवाब तो अब देना आपको। क्या दोबारा से सवाल कीजिए? ऐसा कौन, ऐसी कौन सी शख्सियत है जिनके साथ वहाज को काम करना पसंद नहीं है? एक्टर्स में? एनीबॉडी इन द इंडस्ट्री। आए ना, वहाज क्या लिखा है? ये है, अब आप लिखो। ये आपका, ये देखें बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक स्कोर। ठीक है, दोनों टर्न करें जी अपने। उन्होंने लिखा कोई भी नहीं, अपना नाम लिख दिया यार, सेफ प्ले करने के लिए। अच्छा जी, आखिरी सवाल जी, हमें ये तो बताया कि मुर्तसिम को क्या नहीं पसंद खाने में। हाँ। आप ये बताएं कि वहाज की फेवरेट डिश क्या है, वहाज का पसंदीदा खाना। जी टर्न अराउंड, हलीम और मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई, इतना अच्छा आप लोगों का स्कोर जा रहा है, यकीन जानिए। इतना हलीम क्यों लिखा? मटन कढ़ाई। ओहो, कुछ बस लिखना था, लिखा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ लिखना था नहीं, बाकी हमने कभी भी नहीं कहा। तो बहुत मटन कढ़ाई, बेचारा हर पूरे शूट में कहता रहा कि मटन कढ़ाई खानी है, मटन कढ़ाई। ठीक है, अच्छा जी अब मेरी बारी, आप तैयार हैं? बिल्कुल जी। अब आपने यमुना के बारे में सवालों के जवाब जी, जी आपने कर लिए काउंट, मैंने कितने सवालों के जवाब सारे सही थे आपके? चार के सही थे, दो के गलत थे। ठीक है, वहाज, यमुना का फेवरेट एनिमल कौन सा? जी चलो चलो, पहले गलत है, पहले क्या तुमने कभी बताया ही मुझे? अरे इस पे कभी बात नहीं हुई। वो कह रहे मुझे बताया नहीं। हाँ, कभी बात नहीं। यार आपको भी मतलब पसंद आया तो शेर पसंद आया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुर्तसिम पसंद है ना? अच्छा आप बुशापा कहती मेरा शेर बेटा। अच्छा ये बताएं, ये बताएं, यमुना को जब जब भी कभी फोन आता है तो किसके नंबर से ज्यादा फोन आता है? किसी एक्टर के नंबर से ज्यादा आता है या घर से आता है या कहाँ से सबसे ज्यादा कॉल आती है? अम्मी। ठीक है, एक सवाल जो हमने यमुना से आपके बारे में पूछा था, अब हम आपसे पूछेंगे, इंडस्ट्री में यमुना का सबसे करीबी दोस्त कौन है? सबसे करीबी दोस्त यमुना का? हाँ, रियली सारे सवाल अपनी जगह। आपके बेस्ट फ्रेंड माया, आपके बेस्ट फ्रेंड वहाज, ये क्या चक्कर है? वो आपकी बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं? नहीं, माया तो उसकी बहुत पुरानी दोस्त है, लेकिन ये क्या, बेस्ट फ्रेंड तो टू वे स्ट्रीट होती है। नहीं ऐसा लगे, क्यों क्या होती है यार, आप आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, क्यों बुरा लगना है? एक शख्स आपका, आप कह रही है मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो आगे से कह रहा है नो यू आर नॉट माय बेस्ट फ्रेंड। इट्स ओके, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। माया तो बाकी, माया तो आई थिंक आई वुड से दैट शी इज मोर लाइक अ फैमिली टू देम। यू वी डोंट यू मेरी बस मेरा तो दोस्त है, दोस्ती है। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपने यमुना की फेवरेट डिश के बारे में बताया, यमुना की फेवरेट डिश, यमुना's फेवरेट डिश। बिरयानी। हलीम, तुमने कभी नहीं खाया? हलीम बहुत पसंद है आपने, वो वहाज के लिए भी हलीम लिख दिया। मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा, कमाल हो गया। अच्छा वहाज, यमुना का पेट नेम क्या है? य-
जुमनी जूनी जूनी गुनी गुनी ये मुझे कभी नहीं बताया आपने यार बिकॉज़ आप बेस्ट फ्रेंड नहीं है ना उनके आज मैंने आप दोनों को बेस्ट फ्रेंड बना के छोड़ना है बन जाएंगे हम यमुना की फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है उनका वो छोड़ अमेरिका आपने भी अमेरिका नहीं लिखना भाई कोर्स नॉट ओ ये आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन है या यमुना की फेवरेट डेस्टिनेशन मैं मेरी है लेकिन मैं इनकी भी कन्विंस करूंगा कि क्या लिखा है बाली बाली मेरी है मेरी बाली है अरे यार इस सेगमेंट से एक बात प्रूव हुई है वो ये कि यमुना वाकई में वहाज को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हैं और उनके ज्यादातर जवाब सही थे और वहाज आई एम सॉरी टू से मेरे तो ख्याल में आपने कोई एक आपने दिया वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एक या दो आपने सही जवाब दिए जो कि मुझे पसंद नहीं है बात एनीवे अब हम मूव ऑन करते हैं ये भी एक तरह का कंपैटिबिलिटी टेस्ट है ठीक है तो आपके पास भरपूर ऑप्शन है कि आप अब जो है मेकअप कर सकें इस पूरी सिचुएशन को ये हैं क्यू कार्ड्स इनमें कुछ चीज़ों के नाम हैं कुछ चीज़ें हैं लिखी हुई हैं आपने एक दूसरे को गेस कराना है बट बोले बगैर ठीक है सिर्फ एक्टिंग करके बताना है ठीक है इधर बैठो ना क्या वेयर आर यू गोइंग हां कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि प्रॉप ऐसा है तो आप एक्टिंग कर सकते हैं बिल्कुल सही है तो पहले आप करें क्योंकि वहाज बहुत खुशी में उठे थे अब मैं उठा के सर पे रखूं हां आप सर पे रखें और गेस कराएं ओके फर्स्ट वन मैं अपने सर पे रखूं और वहाज गेस करवाएगा अब आप खड़े हो सकते हैं ये गेस कराने के लिए परफॉर्म करने के लिए भागना ये अच्छा भागना मैराथन चोर दिल मोहब्बत ये क्या लिखा है मोहब्बत के पीछे भागना मोहब्बत के पीछे भागना अच्छा मीरब और मुर्तसिम ठीक है भाग रहे किडनैप होना कहाँ भाग रहे सड़क पे कहाँ भाग रहे कहाँ भाग रहे ठीक है क्या बताए ना कहाँ भाग रहे हाँ खेतों में फील्ड में अल्लाह ये कान अगर यूं पकड़ना था ना यूं पकड़ा इन्होंने और कैसे गेस कराता वैसे पता बड़ा सही गेस कराया मुझे तो अपनी टेंशन पड़ गई मैंने पता नहीं क्या देखो ये तो सिंपल है ये नहीं वो नहीं समझ आना था नहीं आना था अब आज आपको गेस कराएंगे ओके आप गेस कराएंगी वहाज को ओ क्या हारिश कहाँ हो रही है हारिश अच्छा हारिश हो रही है मछली से फिश एलर्जी यार वहाज इंटेलिजेंट है एक्ट्रेस नहीं इंटेलिजेंट है वहाज इंटेलिजेंट हाँ इससे जल्दी गेस किया है अच्छा ठीक है योर टर्न चल अच्छा ओके छतरी अब इसमें किसका कमाल है इसमें मेरा है अच्छा ठीक है ओके चलें क्या हुआ फिर खारिश हो रही है अच्छा ओके क्या पॉलिश भी हो रहा है साथ में क्या हो रहा है फिश सी टर्टल ऑक्टोपस क्या केकड़ा ये किसका कमाल है ये तो मेरा ये यमुना खेतों वाला मान ले मेरा कमाल नहीं खेत मैं तो मतलब चलो चले ठीक है चलो अच्छा ये समोसा चलो गन शिकारी देखा था क्या हो रहा है सफाई झाड़ू से वैक्यूम क्लीनर
वैक्यूम तो ये होता है ना, ये क्या होता है? ये मार्बल साफ करने वाली मशीन है। वैक्यूम क्लीनर से मार्बल साफ करने वाली मशीन, बीच में कुछ नहीं होता और तो कुछ और क्या? और कोई हिंट? और कोई हिंट? फोन है? ये तो मैं भी गैस करना चाहूंगा। हाँ ये मैं भी ये तो मैं भी गैस करना चाहूंगा। उस फोन का इससे क्या ताल्लुक? फेस टाइम, जिम। अच्छा चलो ये देखो, झाड़ पूछ कर रही हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, क्या यार नाम है? बड़ी बड़ी गेट। वाह वाह, मॉप। बट व्हाट वाज दैट? इट वाज मोबाइल, मोबाइल मॉप। नो यू नॉट, नो इट वाज ओके। सो एटलीस्ट वो मोबाइल कहता तो उसमें स्टॉप कर देती। बट मॉप क्यों ना था? मोबाइल कब बोला है? मोबाइल, मोबाइल फोन बोलते हैं। मैंने बोला है मोबाइल, फोन करो। अब आज तुमने कब मोबाइल बोला? तुमने फोन बोला है। बट खैर मॉप तो एक बहुत इजी है, इस तरह करते हैं। तो ये इशारा कर देती, इसे रखा हुआ था इसी सवाल के लिए। तो फोन फोन ही कह रहे थे तुम। अच्छा चलो ठीक है, फोन फोन ही कह रहा था। अच्छा चलो नेक्स्ट। आपने गेस कराना है? अच्छा नहीं नहीं, इन्होंने गेस कराना। मैंने गेस कराना है, मैंने कराना है। गेम में तो भाई अच्छा क्या लिखा है? ठीक है, नहीं होगा होगा होगा। अच्छा इतना सिंपल है? कैसे बताएं? करो स्ट्रॉ, पाइप, डंडा, गन्ना। व्हाई कुडंट यू जस्ट डू दिस? यार ये मैंने कभी किया नहीं है। अल्लाह ये क्या है, ये तो बहुत मुश्किल है। ये तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये मुझे नहीं होता हुआ नजर आ रहा। लेकिन ट्राई करें। मैं कर देता हूँ। ट्राई तुमने देख लिया होगा ना? हाँ देख लिया होगा। ट्राई करें, हम आपसे करवाएंगे फिर भी, आप ट्राई करें। जी ये मुझे होता हुआ नहीं नहीं ना इतना है लिखना। ये क्या? कलम, किताब, किताब, कलम, स्क्रिप्ट। ठीक हो रहा है। व्हाट? किताब खुल गई है, किताब पे लिखा जा रहा है बैग, स्कूल बैग, स्कूल बैग, स्कूल बैग में किताबें हैं, किताबों में कलम है, डायरी है, डायरी में स्टोरीज हैं, घर में आ गए हैं। आगे बहुत धुंध है, गाड़ी नहीं चल रही है। धुंध, गाड़ी, 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 गाड़ी काटनी चाहिए क्या? अरे ये आप दोनों मुझे क्या बोला है अभी? क्या बोला आपने? गाड़ी सीरियसली? हाँ आराम से आ जाए, इधर आ जाए। वर्ड वर्ड की बात हो रही, वर्ड की। गाड़ी, हाँ हाँ, गाड़ी जो वर्ड है। जी जी गार्ड, ये क्या क्या बोला? गार्ड, क्या गार्ड? हाँ गार्ड, बोलो अब तुम बार बार क्यों रोगे? कुल्फी, आइसक्रीम। नहीं नहीं ये क्या क्या हमने? ये ऐसे क्या लगते हैं? चाटते हैं। चाटने को, हाँ चाटने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लिख। हाँ पहला वर्ड क्या था? पहला क्या बताया था? गार्लिक। ये मैंने जितवाया, ये आपने जितवाया। यार और जो दूसरा मैं बोल रही थी वो कही थी लेसन, लेसन, लेसन। तो आप कभी ना पहुंचती। आप लेसन लिखते हो डायरी में? कभी ना पहुंचती। आज ये बात आज की शक्ल से लग रहा है कभी ना पहुंचते। आज ये बात एस्टैब्लिश हो गई है। बाकी शो आप इधर ही बैठ के करेंगे, मेरा एंगल अच्छा बन रहा है कि इन दोनों अदाकारों में सबसे बेहतरीन अदाकार मैं हूं। तालिया, तालिया यार। इनको तेरे मिन का सीजन 2 में इनको कराएंगे। कराएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा ये शो अब इख्तिताम पजीर हो चुका है। इतनी जल्दी? हाँ। तो इसमें जीता कौन है? किसमें? इसमें सेगमेंट या शो? इसमें आपने तो हार मान ली, आप गार्लिक भी नहीं गैस करा पाई और पिछला वाला भी आपसे नहीं गैस करा पाई थी मॉप, तो इसमें वहाज जीत गए। वहाज के लिए तालियां। थैंक यू। सो ही इज मेड अप फॉर द लास्ट
थैंक यू वहाज, थैंक यू यमुना, आप लोग मेरे शो पे आए, आपने मेरे शो को चार नहीं 40 चांद लगा दिए, इतना मजा आया हो रहा है। होप के जो घर पे बैठे लोग आपको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने भी इस शो से बहुत कुछ सीखा होगा। वो क्या कि वहाज और यमुना असल में भी आपस में इतना ही लड़ते हैं। आए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों यहाँ आए जी, और जाते जाते पहले तो आपके जो लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, जो कि इतना बेसब्री से बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि आप दोनों किसी शो में एक साथ नजर आए, उनके लिए कोई पैगाम? ऑल द कैमराज आर योर्स। सबसे पहले तो ये कि थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग माई वर्क, फॉर ऑलवेज वॉचिंग इट। हर दफ़ा मुझे इतना डर लग रहा होता है कि जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट करती हूँ, बट आप लोग देखते हैं, उस व्यूअरशिप का बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कहना चाहती हूँ कि जस्ट बी काइंड टू एवरीबडी, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कौन किस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। महाज, अगेन यमुना ने सभी कह दिया कि थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द शो। आप लोगों का जो फीडबैक है वो बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं कि हम लोगों से क्या गलतियाँ हो रही हैं, कैसे बेहतर हो सकता है। तो उसी तरह का फीडबैक हमेशा देते रहिए, ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए ताकि हम ऑनेस्टी के साथ काम करें। और ये ख़ास मैसेज है हमारे फ़ैन पेजेस के लिए, जो इतनी बेहतरीन एडिट्स करते हैं कि जब मैं सुबह सो के उठता हूँ, आई एम श्योर यमुना भी जब सुबह सो के उठती हैं, ऐसा लगता है कि फ्यूचर के डायरेक्टर बन सकते हैं, इतने अच्छे वीएम्स बनाते हैं सब। ब्यूटीफुल। कभी कभी ऐसा दिन होता है जिस दिन काम एनर्जी कम होती है, मोटिवेशन लेवल कम होता है, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं वो सब कुछ फिर से बहाल हो जाता है। सिर्फ ना सिर्फ वहाज और यमुना जब सो के उठते हैं, मैं भी अक्सर जब सो के उठता हूँ, और हमने जो रिव्यू किया होता है तेरे बिन का, वहाज और यमुना के बारे में जो बातें की होती हैं, मुर्तसिम और मीरब के बारे में जो बातें की होती हैं, उसको भी आप बहुत शौक से सुनते हैं, और उसके भी बहुत सारे आप एडिट्स बनाते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब चूंकि वहाज और यमुना हमारे साथ मौजूद हैं, इतना खुशी का एक मौका है, तो मैं भी इससे फ़ायदा उठाना चाहूँगा, तो क्यों ना हम इस शो को एक और हाई नोट पर एंड करें। बाय द वे, आप लोगों ने कुछ जाते जाते मेरी या मेरे शो की कोई बात या तारीफ नहीं की, ये नोटिस किया मैंने। अरे हाँ, मैं तो चाहता मुंह पे वो तारीफ ही क्या जो मुंह पे की जाए, कब करें, मुझे पसंद है मुंह पे तारीफ करना। मुझे तो बहुत ही मजा आया, बहुत सबसे बेस्ट बात जो इस शो में थी वो थी हसन की एनर्जी, मैं कहती हूँ बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, हमेशा की तरह तालियां। और इस मौके पर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना खूबरू कपल हमारे साथ मौजूद है, और मैं भी हूं, तो मैं मौके का फायदा क्यों ना उठाऊं। तो मेरे ख्याल में मुर्तसिम और मीरब को सेलिब्रेट करते हैं एक कोई बड़े जबरदस्त गाने या म्यूजिक के साथ, और उस पर शो इख्तिताम पजीर करते हैं। चलो भाई बजाओ यमुना, यू बोथ हैव टू कम ऑन। नो नो नहीं भाई, क्या हो गया, ये आवाज करो यार, मेरी बात बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, very nice, thank you so much.